तो गाइस मेरा नाम विभू और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे मारुति इग्निस के सिग्मा बेस मॉडल के बारे में। ये गाड़ी जो कॉस्ट करती है एक्सशोरूम 5.74 लाख कॉस्ट करती है और लगभग 6,70,75,000 रुपये आपको ऑन रोड कॉस्ट कर जाती है गाजियाबाद के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर फुल डिटेल में बात करने वाले कार के बारे में, इंटीरियर से एक्सटीरियर से और इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो इस सिग्मा वेरियंट के अंदर आप देख सकते हैं, सबसे पहले फ्रंट के अंदर कुछ इस तरीके की लुक्स यहाँ पर फ्रंट के अंदर से मिलती है। फ्रंट में जो ग्रिल है वो आपकी कुछ इस तरीके की आ जाती है। यहाँ पर क्रोम ट्रीटमेंट के साथ सुजुकी का लोगो आ जाएगा। जो हेडलाइट्स है वो आपको हेलोजन हेडलाइट्स मिलती है काफ़ी बड़े साइज की, और यहाँ पर आपको इंडिकेटर भी इसके अंदर मिल जाता है। कोई भी फोग लैंप इसके अंदर नहीं आता है सिग्मा वेरिएंट के अंदर, पर यहाँ पर सिल्वर पार्ट्स जरूर दिए गए हैं इसके अंदर। तो फ्रंट से देखने में ऐसा नहीं लगता कि बेस वेरिएंट है। ये इग्निस की वैसे पहले से भी खासियत है कि आपको इसके अंदर जो साइड के ORM है और जो इसके डोर हैंडल्स है वो आपको बॉडी कलर मिलते हैं। तो इस वजह से गाड़ी बेस वेरिएंट कहीं से भी नहीं लगती साइड से भी। बाकी साइड से गाड़ी के लुक्स यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके की मिलती है। पर फेंडर पर जब आप देखोगे पर यहाँ पर आपको इंडिकेटर मिल जाएगा, तो इस वजह से आपको थोड़ा पता लग जाएगा कि बेस वेरिएंट है। बाकी जो साइड के ORM है वो आपके बॉडी कलर मिल जाएंगे। 15 इंच के यहाँ पर टायर प्रोफाइल मिलती है इसके अंदर। टायर की साइज की बात करी जाए, साइज भी मैं आपको एक बारी कंफर्म कर देता हूँ, 175/65R15। व्हील कैप्स यहाँ पर नहीं दिए गए, आप लगवा सकते हैं शोरूम से ही, तो आपकी गाड़ी की लुक बिल्कुल चेंज हो जाएगी, क्योंकि 15 इंच के काफ़ी बड़े साइज के टायर दिए गए हैं इसके अंदर, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स, ABS, EBD सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। फ्रंट में दो एयरबैग्स इसके अंदर आ जाते हैं, और आई थिंक इसमें अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है, जो मैंने अभी इंटीरियर में देखा था। बाकी साइड के डोर हैंडल्स तो आपको बॉडी कलर आते हैं, बी पिलर आपको बॉडी कलर मिलेगा, ब्लैक टेप्ड में नहीं मिलता है। रूफ आप गाड़ी की देख सकते हैं, रूफ रेल्स इसके अंदर नहीं आती है बेस वेरिएंट के अंदर, तो यहाँ पर नॉर्मल एंटीना आपको मिल जाएगा। बाकी ओवरऑल लुक कुछ इस तरीके की है साइड से देखने पर। अगर आप इसे कंपनी से ही यहाँ पर थोड़ा मॉडिफाई करा ले, जैसे व्हील कैप लगा ले इसमें आप, और इसकी रूफ के अंदर स्पॉइलर आप लगवा लो, तो काफ़ी अच्छी लुक्स यहाँ पर गाड़ी की बन जाती है। बाकी रियर की बात करते हैं, यहाँ पर हाई स्टोन माउंट लाइट आई जाएगी। बैक ग्लास के अंदर कोई भी डिफोगर इसके अंदर नहीं है। काफ़ी बड़े साइज़ की यहाँ पर टेल लाइट्स दी गई है। इग्निस की बैजिंग मिल जाएगी, सुजुकी का लोगो यहाँ पर मिल जाएगा। नीचे की तरफ आपको दो पार्किंग सेंसर्स के अंदर मिल जाएंगे, रिफ्लेक्टर्स मिल जाएंगे। आई थिंक चार यहाँ पर पार्किंग सेंसर है, 1, 2, 3 और 4, दो नहीं है, 4 है सॉरी। और कुछ इस तरीके का यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, और यहीं से आप गाड़ी का बूट भी ओपन कर सकते हैं। अभी गाड़ी वैसे लॉक है थी, तो बूट मैं आपको दूसरी तरफ से दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके का यहाँ पर बूट स्पेस के अंदर मिल जाएगा, 5 सीटर इसके अंदर नहीं आती है, तो काफ़ी अच्छे साइज का यहाँ पर बूट स्पेस भी मिल जाता है। पर बूट के अंदर कोई भी लाइट वगैरह इसके अंदर नहीं दी गई है। रियर केबिन यहाँ पर गाड़ी का देख सकते हैं कुछ इस तरीके का मिलता है। फिक्स्ड यहाँ पर दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं। फैब्रिक सीट्स है, काफ़ी सॉफ्ट है। रियर में आपको पावर विंडो इसके अंदर नहीं मिलती है बेसिक वेरियंट के अंदर। यहाँ पर डोर लॉक अनलॉक करने का ऑप्शन है। यहाँ पर आपको हार्ड प्लास्टिक मिलेगी आर्मरेस्ट के ऊपर। नीचे एक ग्लास होल्डर का स्पेस दिया गया है छोटा सा, और स्पीकर का स्पेस दिया गया है। बाकी फ्रंट में इंटीरियर की बात करें फ्रंट डोर की, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का ब्लैक कलर का फ्रंट डोर दिया गया है। इसमें आपको फ्रंट की दोनों पावर विंडो मिल जाती है, और ड्राइवर साइड ऑटो टच डाउन मिल जाती है, और यहाँ पर लॉक अनलॉक करने का ऑप्शन है, और यहाँ पर चाइल्ड सेफ्टी लॉक का भी दिया गया है। नीचे की तरफ बोल्ट होल्डर का स्पेस मिल जाएगा, स्पीकर स्पेस मिल जाएगा, और ये यहाँ पर इसका डोर को लॉक अनलॉक करने के लिए, जो कि काफ़ी अच्छी ग्रिप यहाँ पर देता है। और ये इस गाड़ी का इंटीरियर। यहाँ पर सीट जो है वो काफ़ी अच्छे और बड़े साइज़ की दी गई है, एडजस्टेबल यहाँ पर हेडरेस्ट भी में दोनों में दिए गए। सीट का साइज़ आप देख सकते हैं कितनी बड़े साइज़ की सीटें हैं, मतलब सेम वही है जो बलिनो में आती है ना, बड़े साइज़ की सीटें वही इसके अंदर दी गई है, और काफ़ी अच्छा इसके अंदर फैब्रिक यूज़ कर गए। बाकी फीचर्स मैं आपको दिखा देता हूँ एक एक करके। ये इस गाड़ी का स्टेयरिंग व्हील, जो कि आपको सिर्फ टिल्ट एडजस्टेबल ऑप्शन के साथ मिलता है। कोई भी कंट्रोल वगैरह इसके अंदर यहाँ पर नहीं है। इलेक्ट्रिक स्टेयरिंग व्हील यहाँ पर मिल जाएगा आपको। कुछ इस तरीके का यहाँ पर मीटर मिल जाता है, जो कि सिर्फ आपको स्पीड ऑफ के साथ आता है, RPM यहाँ पर नहीं है ऑप्शन। बाकी ये इसके AC वेंट है। नीचे की तरफ आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑप्शन है, यहाँ पर की लगाने का ऑप्शन मिल जाएगा, और ये नीचे इसके क्लच ब्रेक और एक्सीलेटर है। यहाँ पर डेड पेडल भी दिया गया है इसके अंदर। कोई भी म्यूज़िक सिस्टम इसके अंदर नहीं आता है, और जो IRVM भी है वो भी आपका कोई भी मैनुअल या ऑटो नाइट वाला नहीं है। को पैसेंजर पर कोई भी वैनिटी मिरर यहाँ नहीं है, ड्राइवर साइड पे भी कोई भी नहीं है। रूफ के अंदर यहाँ पर रीडिंग लाइट मिल जाएगी येलो कलर की। एडजस्टेबल ग्रैब हैंडल यहाँ पर दे दिए गए हैं। बाकी ये है इस गाड़ी का एक ग्लव बॉक्स, जो कि काफ़ी अच्छे साइज का है, मतलब काफ़ी बड़ा है। और AC आपको गाड़ी के अंदर मिल जाएगा मैनुअल। 12 वोल्ट का यहाँ पर चार्जिंग सॉकेट दे दिया गया है। नीचे दो ग्लास होल्डर का स्पेस, 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन इसके अंदर आता है, जो कि कल की चीज़ तो इसके अंदर यही है इस गाड़ी का इंजन ट्रांसमिशन। इंजन आपको एक बार दिखा देता हूँ यहाँ से। इंजन आप जो बलिनो की खासियत है ना, वो
वो इसके अंदर आपको मिल जाएगी, क्योंकि इसके अंदर भी सेम वही इंजन मिलता है। 1.2 लीटर का इंजन ऑप्शन इसके अंदर दिया गया है, देख सकते हो। ये इस गाड़ी का इंजन जो कि 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड फोर सिलेंडर इंजन है, जो कि प्रोड्यूस करता है 84 BHP की पावर और 114 NM का टॉर्क, तो काफ़ी अच्छी पावर के साथ आता है। बहुत पंची फील होगा आपको इस गाड़ी के अंदर, क्योंकि बॉडी टू वेट रेशियो जो है गाड़ी का बहुत ही बेहतरीन है। मतलब बलिनो स्विफ्ट के अंदर भी यही इंजन आता है, पर इसके अंदर जो ये फील कराता है ना, मतलब इतना पंची है, मतलब गाड़ी का वेट कम है एक तो, और साइज में थोड़ी छोटी है गाड़ी, तो इस वजह से पंची फील आपको ये बहुत होगा। परफॉर्मेंस बहुत ही लाजवाब देगा, माइलेज वगैरह भी काफ़ी अच्छा निकाल के देगा। बोनट के नीचे यहाँ पर इंसुलेशन आपको मिल जाएगी काफ़ी अच्छी तरीके की। तो ये इस गाड़ी की इंजन स्पेसिफिकेशन। तो यही थे इस गाड़ी के सभी स्पेसिफिकेशन, अगर कोई रह गया हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। गाड़ी की कॉस्ट मैंने आपको बताई दी है, 574,000 रुपये आपको एक्सशोरूम कॉस्ट करती है, और ऑन रोड लगभग 675 तक आपको ये आप कॉस्ट करने लगे लगभग। इस पर काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स वगैरह भी मिल जाते हैं, आई थिंक अभी भी कोई ना कोई डिस्काउंट चल रहा है, क्योंकि इग्निस की इतनी ज़्यादा जो सेल है नहीं, पर ये वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट काफ़ी ज़्यादा है। इसके अंदर आप मतलब छोटे मोटे थोड़े मोटे कॉस्मेटिक के चेंज करा के अपनी गाड़ी को काफ़ी वैल्यू फॉर मनी बना सकते हैं। जैसे काफ़ी चीज़ें तो कंपनी फ्री भी दे देती है, क्योंकि गाड़ी इतनी ये बिकती नहीं है। इसके अंदर जैसे आप व्हील कैप्स ले सकते हो कंपनी से, रूफ रेल ले सकते हो, रियर का स्पॉइलर ले सकते हो, तो ये कुछ चीज़ें कंपनी से आप ले सकते हो, क्योंकि इसके अंदर बॉडी कलर डोर हैंडल्स वगैरह तो आते ही है। तो आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक जरूर से कर दें, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।